हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। हम प्राणे के साथ उपस्थित हुए हैं नाइट फिर। पिता का धन्यवाद करते हैं जो पिता ने हम सभी को जिंदा रखा है, जीवित रखा है, संभाल के रखा है। इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में ग्रस्त हैं तो पिता से बताएंगे, ठीक है, हमें उदास निराश नहीं होना है। पिता को हमारा ध्यान रहता है, पिता हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे दुखों को जानता है, गरीबी को जानता है पिता, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या हो सकता है, ठीक है। यदि आप दुख में, तकलीफ में हैं, लड़ाई झगड़े में जूझ रहे हैं, बीमारी में जूझ रहे हैं, गरीबी में जूझ रहे हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य के सामने नहीं रोना है, आज आपको किसी मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आज आपको जिंदा परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकताएँ हैं, आज आपको जिंदा परमेश्वर के सामने आने की समस्याओं को बताने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, पिता ने कहा है, ठीक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दुख में है, तकलीफ में, गरीबी में है तो पिता से बताएंगे, ठीक है। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, प्रार्थना प्रार्थना को काट पीट के नहीं देखते हैं। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, जो आपने सभी को जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे मेरे पिता, वे मर गए होंगे पिता, अपने परिवार वालों से, भाई बहनों से, माता पिता से बिछड़ गए होंगे पिता, और बहुत दूर वो कैसे स्थान पर चले गए होंगे मेरे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे प्रभु, जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है मेरे पिता, वो वहाँ पर चले गए होंगे मेरे प्रभु। जो आपने सभी का उद्धार कर दिया, छुटकारा कर दिया मेरे प्रभु, इस संसार से चुन लिया, चुनकर अलग कर दिया यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। जब भी हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता, आप क्षमा के योग्य मेरे पिता, आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। आप हम सभी के अधर्मों को, गुनाहों को ढाप दीजिए मेरे स्वामी। मेरे पिता, हम मनुष्य जाति हैं, निर्बल कमजोर हैं, पाप में गिर सकते हैं, गुनाहों में गिर सकते हैं मेरे स्वामी, माफ करें, आप क्षमा करें यीशु पापा, अपने लहू से शुद्ध कर मेरे पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी। मेरे पिता, होने दे मेरे स्वामी, हम चाहते मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो कमाने लगे हैं मेरे पिता, जो 100-200 रुपये पर पिता दर्द हाथ फैला रहे मेरे स्वामी, मेरे पिता ये 100-200 रुपये पर पिता दर्द हाथ ना फैलाने पाए मेरे पिता, इनके हाथ मांगने लगे नहीं मेरे स्वामी, मेरे पिता इनके हाथ आप देने लिए बनाइए मेरे स्वामी, मेरे पिता ये बहुत ही जातियों को उधार देने लिए बन जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। यीशु पापा, आपके नाम से मांगते, आपके नाम से ढूंढते, खटखटाते मेरे पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके घरों के ऊपर ऐसे उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे प्रभु, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए पिता, इनके हाथ मांगने नहीं, इनके हाथ देने लिए हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता। मेरे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो बीमार हैं पिता, जिन्हें कैंसर है, डेंगू बुखार, लीवर में समस्या है, पेट में समस्या, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है पिता, घातक खतरनाक बीमारियाँ पड़ी है मेरे पिता, उसमें लिप्त है मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे पिता, किसी के पास मेरे पिता इतना परेशान नहीं है मेरे प्रभु कि वे अपना इलाज करा सके मेरे पिता, आप इन्हें चंगाई दीजिए मेरे स्वामी, मेरे पिता चंगाई उंडेल दीजिए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य के नाम से द्वारा मेरे पिता। मेरे प्रभु, ये चंगे होने पाए यीशु मसीह, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूँगा मेरे पिता, आपने कहा है मेरे पिता आपके नाम से मांगते यीशु के नाम में मेरे पिता, ये भाई बहन चंगे हो जाए मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुने मेरे पिता, और लास्ट में अमीन बोलकर रसीब करें मेरे पिता, ये चंगे होने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में बैठे पवित्र आत्मा जी, हर एक जनों को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी, पापों से, गुनाहों से, बीमारियों से आजाद कर दीजिए पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पापा आपको दिया गया है। मेरे पिता महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि। मेरे पिता आपने महान आश्चर्य काम किए। मेरे पिता आपने मूर्खों को जिलाया, हिंदू को दृष्टि दिया है। मेरे पिता कोढ़िये पाजों को शुद्ध किया है। मेरे पिता आपने महान आश्चर्य काम किए। मेरे पिता आपने लकवे रोगी से कहा था उठ अपनी खाट उठा और अपने घर को जा। मेरे पिता वो लकवा रोगी तुरंत चंगा हो गया आपके सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता मेरे प्रभु आप हम सभी को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। पिता आप महान है, आप दयालु है। मेरे पिता मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता जो नौकरी की तलाश में गए हैं, मेरे पिता जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, यीशु पापा जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं, मेरे पिता पिता उन्हें नौकरियां दीजिए। पिता वे आशीषों से भर जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो अमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं पिता, जो अमीन बोलकर रिसीव करें उनके जीवन में बहुत बड़ा मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। जो अमीन बोल रहे हैं यीशु मसीह पे विश्वास करें पूरे हृदय से पूरे मन से, यीशु मसीह उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है, चमत्कार करने जा रहा है यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता में बने रहना है, वचन में बने रहना। यीशु मसीह ने कहा है जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूँ, और जो फलती है मैं उसको और छाटता हूँ ताकि और फले और फल लाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को मसीह में फलवंत होना है। हम सभी को मसीह में फल लाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को मसीह में फल लाना है। पिता का धन्यवाद करेंगे जो पिता ने हम सभी को संसार से चुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता उन पति पत्नियों के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, जो शैतान ने परा करा है पिता, उन्हें अलग कर रहा है पिता, लड़ाई झगड़ा डाल रहा है मेरे पिता, उनके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है। मेरे पिता आपके नाम से मेरे पिता उस शैतान को सुदूर खदेड़ दिया जाए यीशु नासिर के नाम से। मेरे पिता मेरे प्रभु ये पति पत्नी भी एक तन है मेरे पिता, आपने उन्हें जोड़ा है पिता, आपने कहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे पिता मेरे प्रभु आपस में प्रेम से रह नहीं पाए पिता, आपस में प्रेम से रह नहीं पाए मेरे पिता, आप उन्हें एक तन बनाया, अभी एक तन है मेरे पिता। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन घरों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे पिता, जो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रहा मेरे स्वामी, आपके नाम से मेरे पिता लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, वे घर आजाद होने पाए, हील होने पाए, फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते थरथराते को सुदूर भक्ति यीशु पापा आपके नाम से आदेश देते हैं, मांगते हैं पिता, वे घर आजाद होने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं मेरे पिता, जो दुष्ट आत्माएं परेशान करके रखी हैं, जो मसीह भाई बहनों को मेरे पिता जो गलत गलत कार्य करवा रही है मेरे पिता, हाथ पर आँख के द्वारा, पाँव के द्वारा मेरे पिता, जीभ के द्वारा, मुँह के द्वारा मेरे पिता, आपके नाम से शैतान को सुदूर खदेड़ दिया जाए यीशु के नाम से। वे भाई बहन आजाद हो जाए, ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु पापा। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रिय विश्वास के साथ पिता, जो हम मांगते हैं आप देते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, गंदे शब्द ख्याल विचार आते मेरे पिता, पिता ये जब लेटे पिता इन्हें सुख की नींद आने पाए मेरे पिता, इनके चारपाई के पास आपके दूध का बाड़ा बांध देते, आपके लहू का बाड़ा बांध देते यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मुझे आशा है, विश्वास है मेरे पिता अपने प्राणों को सुनाए। मेरे पिता ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।